हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं फ़िलहाल अभी हूँ मेरे कॉलोनी के अंदर और आज फिर एक बार आप लोगों को दिखाऊंगा मेरा कॉकटेल और लबट का जो चिक्स आज से 8-10 दिन पहले जो वीडियो बना के आप लोगों को दिखाया था कि कितना बड़ा हुआ है मेरा कॉकटेल का चिक्स और लबट का चिक्स। और आज फिर एक बार आप लोगों को दिखाऊँगा कि कितना बड़ा हो गया है। तो पहले ओवरऑल एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखिए, ये बज्जीज अभी खा रहा है सॉफ्ट फूड और ऊपर तो बच्चा है और ये इस केज में भी है और इस केज में भी है। और एक आप लोग देख भी सकते हैं, वो देखिए देख रहा है। तो चलिए पहले आप लोग को दिखा देते हैं कॉकटेल का चिक्स। और ये है वो बच्चों के माँ बाप पेरेंट्स और बच्चे अभी भी अंदर है, बाहर ही था, अपने आप निकल आता है। और मैं अभी उसको पकड़ के इस ब्रीडिंग बॉक्स में फिर से रख दिया। अभी पहचानने में मुश्किल हो रहा है कि कौन बच्चा है कौन पेरेंट्स है। तो चलिए आप लोगों को भी एक बार दिखा ही देता हूँ। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था उस टाइम इतना फेडर वगैरह नहीं आया था, मतलब पंख वगैरह इतना ठीक तरह से नहीं आया था। अभी तो जैसे बहुत अच्छी तरह से आ गया है। अभी पहचानने में मुश्किल हो रहा है कि कौन बड़ा है या कौन छोटा या कौन माँ बाप है और कौन सा बच्चा। तो ये देखिए, ये बच्चा है, काफ़ी बड़ा हो गया है और बहुत अच्छी तरह से पंख वगैरह ये देखिए आ गया है। ये देखिए, और एक जो है ना, ये जो है ना, ये थोड़ा बड़ा है, ये यहाँ से एकदम मतलब बाहर निकल जाता है और अपने माँ बाप के साथ दिन भर रहता है। दाना वाना खुद ही थोड़ा बहुत खाने के लिए कोशिश करता है। इसको मैं पकड़ के दिखाता हूँ, रुकिए। ये देखिए, ये थोड़ा बड़ा है, इसको पकड़ने गया। और ये देखिए, इसका मम्मी देख रहा है, बहुत शरारत है। ये जो बड़ा है ना, ये निकल आता है। ये देखिए, ये देखिए निकलने की कोशिश कर रहा है, बहुत बदमाश है। ये देखिए, काफ़ी बड़ा हो गया है और पूरा अच्छी तरह से इसका जो फेदर है बहुत बढ़िया से निकल आया है। और फ्रेंड्स, कुछ ही दिनों के बाद ही ये दोनों सेल्फ में आ जाएंगे और अपने आप खाने लगेंगे। अभी तो इनके पेरेंट्स ही इन दोनों को खिला रहा है। ये थोड़ा सा छोटा है और ये उससे थोड़ा बड़ा है। ये देखिए, अभी भी निकलने की कोशिश कर रहा है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, देख लिया आप लोगों ने, ये देखिए बहुत शरारत है, बहुत ही बदमाशी है। निकलने की कोशिश कर रहा है, चलो जाओ। तो फिर चलिए बंद कर देते हैं क्योंकि उड़ भी सकते हैं, बहुत बदमाश हो गया है ये। तो बन चलिए बंद कर देते हैं और दूसरा दिखाते हैं। और बंद करते ही मैं इसका लॉक भी लगा देता हूँ ताकि बिल्ली वगैरह खोलने की कोशिश करने से भी ना खुले। और यहाँ में है मेरा जाबा का बच्चा है अंदर।
शायद इतना अच्छी तरह से दिखाई नहीं देगा। मैं कैमरे को थोड़ा घुमा के दिखाता हूँ। और अच्छी तरह से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के नीचे ही है। चलिए फ्रेंड्स, बाद में दिखाते हैं इसको, थोड़ा बड़ा होने दीजिए, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे। और ये भी लबर्ड है और ब्रीदिंग बॉक्स बिल्कुल खाली है। इन सबका ब्रीदिंग बॉक्स जो है फिलहाल तो खाली है। चलिए और अभी आप लोगों को दिखाते हैं ये जो रोजी कॉकटेल है, इसका भी बच्चा एक बार चेक कर लेते हैं। और उससे पहले फ्रेंड्स देखिए, इन सब का जो पानी का बर्तन या खाने का बर्तन था सब कुछ निकाल दिया है, क्योंकि रात में मैं पानी का बर्तन नहीं रखता हूँ, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है। अगर रात में भी पानी का बर्तन रखूँ तो ठंडा ठंडा पानी पिएगा सुबह उठ के ही, और मेरा बर्ड बीमार पड़ जाएगा। इसलिए मैं रात को सारा बर्तन पानी का बर्तन निकल के रख देता हूँ। और अभी चलिए इसको भी खोलते हैं और देखते हैं। और इसके लिए चाबी भी ले आता हूँ, ये भी लॉक है और चाबी है, और चाबी इसमें रख दिया है। चलिए इसको खोलते हैं। गिर गया, मिल गया। तो ये साइड पर रखते हैं। और इसका जो मम्मी है इसको बाहर निकलना होगा, नहीं तो देखने नहीं देगा हम लोगों को। चलो, ये देखिए इसका जो बच्चा है, तीन बच्चा है यहाँ में। रोजी का बच्चा भी बड़ा हो गया है पहले बहुत छोटा था, अभी बड़ा हो गया है। और इसका जो मम्मी है, मम्मी भी इधर के मर एकदम अपने बच्चों के साथ छिप के बैठा हुआ है। ये अगर निकल जाए तो मैं अच्छी तरह से हाथ में लेके आप लोगों को दिखा सकता हूँ। तो निकलता ही नहीं है। चलो, एक बार निकल जाओ। अगर ये निकलेगा नहीं, यानी तीन बच्चा है। चलिए इसको इतना ये सब नहीं करेंगे, आप लोगों तो दिखाते रहेंगे बाद में भी। थोड़ा बड़ा होने के बाद पता चलेगा कौन सा कलर का क्या निकला है ना। और ये जो कपड़ा मैं अभी ऊपर रख रहा हूँ, ये कपड़ा मतलब जब मैं ये लाइट आउट बंद कर दूँगा, रात में जब इन लोगों को सोने के लिए दूँगा, तभी मैं ये कपड़ा इस पूरा केस में ढक देता हूँ। मतलब कोई भी केस ऐसे खाली नहीं रहता है, पूरा कपड़े से मैं ढक देता हूँ ताकि ठंडी हवा वगैरह इन लोगों को ना लगे। और ये फिक्स है, ये देखिए जावा, इसमें जावा पहले यहाँ में 5 जावा था, फिर और एक
पैक कर दिया मैंने, मतलब ये जो जवा का केज दिखाया अभी उसमें एक ही बच्चा निकला था, तो उसे भी मैं वहाँ से पकड़ के ये जो गावा का केज है ये हमें में रख दिया। फिलहाल अभी इसमें 6 पीस जावा है। और फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो यहाँ में बजिस का चिक्स है, इसको एक बार दिखा देता हूँ आप सभी को। जैसे मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ आप लोगों को दिखाता ही हूँ सारा कुछ, तो चलिए आज भी दिखा देते हैं इसमें क्या है। इसमें एक बच्चा है और साथ में इनके मम्मी ने इनसे एक ले किया है शायद, इसके नीचे बच्चा हो सकता है। ये जो पहला वाला है, ये जो बच्चा है ये, और 2 अंडा है, और पीछे जो है इसका मम्मी है जो अंडा में बैठा हुआ है। तो ये हो गया और ऊपर देखते हैं और यहाँ में बच्चा है, एक बच्चा निकला है और अंडा भी। बहुत चिल्ला रहा है, डर रहा है, और अभी देखते हैं इसमें क्या है। तो ये तो फिलहाल खाली है और इसके ऊपर ठीक यहाँ में एक बच्चा है और एक अंडा तो पूरा खराबी हो गया है। इसमें बच्चा एक है और शायद और एक यहाँ में देख रहे कुछ है कि नहीं। यहाँ में एक फीमेल है जो अंडे पे बैठा हुआ है, 3 अंडा है, तो ये भी देखते हैं बच्चे निकलता है कि नहीं। तो ये तो बड़ा हो गया है, चलिए बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं इसी तरह से, लॉक भी लगा देते हैं। और एक जो है ना एकदम बच्चा एक है जो नीचे एकदम अंदर जाकर बैठा हुआ है एकदम कोने में, ये है, ये भी बच्चा ही है। तो फ्रेंड्स दिखा दिया आप लोगों को, लब्बड़ का चिक्स भी दिखाया है। लब्बड़ का चिक्स इतना अच्छे तरह से नहीं दिखा पाया क्योंकि इसका जो मम्मी है, मम्मी ये बॉक्स से हिलता ही नहीं है। जो भी हो दिखाएंगे थोड़ा बड़ा होने के बाद अच्छी तरह से दिखाएंगे। और यहाँ में कॉकटेल है, कॉकटेल के बच्चा को भी एकदम अच्छी तरह से दिखा दिया है कितना बड़ा हुआ है। तो ऐसे ही दिखाते जाएंगे और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। तो फिर चलिए आज के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं कुछ दिनों के बाद जब ये लब्बड़ का चिक्स भी बड़ा हो जाएंगे और इस कॉकटेल का चिक्स भी और ज़्यादा बड़ा हो जाएंगे, तब एक बार फिर आप लोगों को दिखाएंगे। तो आज के लिए चलते हैं, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।